पटना में युवती के साथ किराना दुकानदार ने की गंदी हरकत, इस बहाने बुलाया था दुकान के अंदर। पटना जिले के मसौढ़ी थाना के स्टेशन रोड स्थित एक किराना दुकान में चावल खरीदने पहुंची एक युवती के दुकानदार ने बदसलूकी की। हालांकि उसे यह महंगा पड़ गया, युवती ने शोर मचाया तो दुकानदार फरार हो गया। पीड़िता ने इस संबंध में संतोष किराना स्टोर के मालिक संतोष कुमार पर FIR दर्ज कराई है। मिली जानकारी के मुताबिक दानापुर के एक मोहल्ले की रहने वाली एक युवती मंगलवार को धनरुआ में अपनी एक सहेली की बहन के घर आई थी। इस बीच उसे याद आया कि घर चावल खरीदने भी जाना है। तब अपनी सहेली के साथ मसौढ़ी पहुंची और संतोष किराना दुकान में चावल खरीदने गई। इस दौरान उसकी सहेली बगल की एक मोबाइल दुकान में मोबाइल रिचार्ज कराने चली गई। युवती जब किराना दुकान पर पहुंची, उस समय दुकानदार ने शटर को आधा गिरा दिया था, वह कहीं जा रहा था। अकेली युवती की दुकान पहुंचने पर उसने कारण पूछा तो उसने बताया कि चावल लेना है। आरोप है कि इस पर दुकानदार ने कहा कि चावल का नमूना देख लो, इतना कहकर उसने युवती को दुकान के अंदर बुला लिया। उसके इरादे से बेखबर युवती दुकान में चली गई। पुलिस को दिए आवेदन के अनुसार जैसे ही युवती अंदर पहुंची, दुकानदार ने उसकी बांह पकड़ ली। इसके बाद वह गंदी हरकतें करने लगा। उसकी मनसा भांप कर युवती ने शोर मचाना शुरू कर दिया। यह देख दुकानदार के होश उड़ गए। आवाज सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे। इसी दौरान दुकानदार संतोष कुमार वहां से फरार हो गया। घटना के बारे में जानकर लोग हैरान रह गए। बुधवार को युवती ने मसौढ़ी थाने में इसकी FIR दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है।